नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो यहाँ ध्यान से देखिए, आपका जो है छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा CGTET, आप सभी को पता है कि इसका डेट आ चुका है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहा है आपका, 6 तारीख लास्ट डेट है इसका। तो आप सभी को इसका इंतजार बहुत दिनों से है, क्योंकि अभी जो है आपका शिक्षक भर्ती भी आएगा, आप सभी को पता है 10,000 पदों पर। तो इसके लिए मैं गणित का प्रैक्टिस सेट यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक। ये प्रैक्टिस सेट पहला है, अभी आपका जो है मान लीजिए 18 सितंबर को डेट दिया गया है, तो अभी 3 तारीख है आज आपका, तो 15 दिन अभी आपके पास समय है। 15 दिन में 15 प्रैक्टिस सेट मैं आपको करूंगा, जिसमें आपके गणित के 20 चैप्टर लगभग कवर कर दूंगा, ठीक ना। तो उसमें आपके जो है 15 प्रैक्टिस सेट में से आपके 30 नंबर के गणित के प्रश्न आएंगे। आप सभी पता है पेपर 1 व पेपर 2 दोनों में, पेपर 2 में आपका जो है जो विज्ञान व गणित चूज करेंगे उसमें उनके में आएगा, समाज विज्ञान वाले में नहीं आएगा। तो ये जो है प्रैक्टिस सेट आपका जो है इसमें जो है मैं पेपर 2 को लेकर लेवल का रखा हुआ हूँ, ठीक। पेपर 2 के लेवल का इसमें प्रश्न रखा गया है, मतलब पेपर 2 जो आपका 5वीं 6वीं से 8वीं तक के टीचर के लिए होगा, उसके हिसाब से इसमें रखा गया है। तो इसमें 15 प्रैक्टिस सेट में आपको आप 25 से 26 नंबर आराम से अटेम्प्ट कर लेंगे, यदि आप अच्छे से मेरा प्रैक्टिस सेट देकर जाते हैं तो। क्योंकि मैं प्रैक्टिस सेट में उसी प्रश्न को लेकर आऊँगा, उसी प्रश्न को कराऊँगा जो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक ना। मतलब जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उसी प्रश्न को नहीं कराऊँगा, उस टाइप के प्रश्न को कराऊँगा, ताकि आपका रिविजन हो जाए, ठीक, ताकि आप उसको बना लें। इसको ध्यान से देखिए, ये पाई चार्ट से संबंधित है। अब ये पाई चार्ट क्या होता है इसको भी आप अभी समझ जाएंगे, ठीक। क्वेश्चन देख के मैं आपको बता देता हूँ कि दो दो जो है ग्राफ से संबंधित प्रश्न आए हुए थे आपका 2021 में, जो आपका पेपर हुआ था, ठीक। अभी टेट का जो पेपर हुआ था 2021 में, जो 2018-19 का था, ठीक, उसमें आपके जो है 10 नंबर के प्रश्न आए थे ग्राफ से, 10 नंबर के प्रश्न ग्राफ से आए थे, जिसमें 5 नंबर के प्रश्न परसेंटेज से आए थे, गोलाकार इसी प्रकार से, जिस प्रकार से मैं अभी आपको प्रश्न कराऊंगा उसी प्रकार के प्रश्न दिए गए थे, जिसमें से 5 प्रश्न आए थे और 5 जो है आपका लाइन चार्ट से आए हुए थे, ठीक। तो इसके बाद मैं लाइन चार्ट भी आपको करा दूंगा। तो देखियो 5 नंबर के प्रश्न इसी प्रकार के आए हुए थे, तो इसी प्रकार के डाटा चेंज करके आपके पास प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आप देखिएगा कि इन प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। इसमें 2 पाई चार्ट का हम अध्ययन करेंगे, ठीक। एक ईजी रहेगा, दूसरा थोड़ा मॉडरेट रहेगा, तो आपके पास जिस भी लेवल का पूछे आप दोनों के लिए तैयार रहें ताकि, ठीक। तो इसमें देखिए 1 पाई चार्ट से 5 प्रश्न बनते हैं, जिनमें हम 5ों प्रश्न का यहाँ अध्ययन करेंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ बताया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए पाई चार्ट के आधार पर देने हैं, ठीक। इस प्रकार से आपके पास पाई चार्ट बना रहेगा, या आपका गोला बना हुआ है इस प्रकार से, ठीक। इसमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति है, ठीक ना, XYZ कुछ भी नाम दे सकता है, वो पेट्रोल पर 10% खर्च करता है अपनी कमाई का, टोटल एक कमाई का होता है, ठीक। और खाद्य पदार्थ पर 15%, मनोरंजन पर आपका 15%, बचत पर 23%, मकान किराया पर 30%। इस प्रकार से नीचे देखें तो यहाँ देखिए कपड़े पर आपका 7% है, ये आपका नहीं दिख रहा था, ठीक। तो इसको आप एक बात, जब भी इस प्रकार से परसेंट के रूप में आपके पास दिया रहे, तो इसको आप एक बात पहले ध्यान दीजिएगा कि इन सभी परसेंट को आप जोड़कर देख लीजिएगा कि सभी परसेंट जोड़ने पर 100% आ रहा है कि नहीं, ठीक। क्योंकि सभी जोड़ने पर 100% यदि आएगा तो वही उसका 100% क्या होता है, आय होता है, ठीक। वही 100% आय होता है जो इसका व्यय होते जाता है। तो इसको देखिए, आप देख सकते हैं 15, 10, 25 हो जाता है, 25, 10, 35, 5, 40 हो जाता है, 40, 20, 60, 63 हो जाता है, 63, 7 आपका 70 हो जाता है, 70, 30, 100। इस प्रकार से आप इसको जोड़ के देख सकते हैं, पूरा जोड़ने पर आपका 100% आ जाता है, ठीक। तो अब इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। अब देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं, इसको ध्यान से समझिए। ये थोड़ा इजी है आपका, इसके बाद जो दूसरा आएगा पाई चार्ट वो इससे थोड़ा मॉडरेट लेवल का रहेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं नीचे आपको इसी पाई चार्ट को यहाँ दिखा दिया हूँ, ठीक। अब यहाँ क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, देखिए, प्रति व्यक्ति जिसकी मासिक आय आपका जो है 6,000 रुपये है, कितनी चीज़ों पर प्रति माह 1,000 रुपये से अधिक खर्चा करता है, ठीक। एक व्यक्ति जो है जिसकी मासिक आय कितनी है 6,000 रुपये, अब वो पूछा जा रहा है कि कितनी चीज़ों पर 1,000 रुपये से अधिक खर्च करता है, और यहाँ वैल्यू आपका परसेंट में दिया गया है, ठीक। तो इसको अपने क्या करना पड़ेगा, 6,000 रुपये उसकी मासिक आय है, तो यहाँ 1,000 रुपये से अधिक कितने में खर्च करता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6,000 को देखेंगे कि 6,000 का जो है 1,000 कितने परसेंट है। तो किसी का भी हम 1% के रूप में ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज का वीडियो बना हुआ है, आप गणित प्रैक्टिस सेट में के प्लेलिस्ट में जाकर मेरा देख सकते हैं, वहाँ से आप परसेंट कैसे निकालते हैं आप जान सकते हैं वीडियो देख के, ठीक। तो इसमें कैसे निकालेंगे कि 6,000 जो है 1,000 का कितना परसेंट है पहले निकाल लेंगे, उसके बाद देख लेंगे कौन उस परसेंट से इसमें ज़्यादा है, ठीक, कितने ज़्यादा हैं। तो यहाँ देखिए 1,000 6,000 का कितना परसेंट है, निकालने के लिए क्या करेंगे, 1,000/6,000 क्या करेंगे, 1,000/6,000 गुणा में हम यहाँ करेंगे 100, ठीक, परसेंट में निकालने के लिए 100 करते हैं। अब इसको हम काट देंगे यहाँ से,
जैसे देखिए ए जीरो से जीरो कैंसिल, ए जीरो से जीरो, तीन जीरो से तीन जीरो कैंसिल, एक बट्टा छः हो गया। एक बट्टा छः हो गया मतलब क्या हो गया, सौ बट्टा छः हो गया यहाँ। अब सौ बट्टा छः का वैल्यू यदि हम निकालें तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए छः एक कम छः बच जाएगा चार, आपका चालीस हो जाएगा, छः छंग छत्तीस, फिर चार बच जाएगा, फिर छः छंग छत्तीस, 16.6% लगभग क्या आएगा, 16.6% आएगा। अब इस पाई चार्ट में हम देख लेते हैं कि 16.6% से ज़्यादा कितने में है। ठीक, तो यहाँ देखिए यहाँ 10% है मतलब यहाँ कम है, 15% है यहाँ भी कम है, बचत 23% है मतलब एक ज़्यादा है, उसके बाद मकान किराया में 30% है तो यहाँ भी ज़्यादा है, यहाँ एक ज़्यादा है, यहाँ एक ज़्यादा है, एक एक कितना हुआ दो। नीचे में आपका दिया गया है कपड़ा वाला 7% करके, तो वो भी आपका कम है, तो कितने जो हैं 16.6% से ज़्यादा कितने में खर्च कर रहा है आपका, एक मकान किराया में जो कि 30% है और बचत में जो कि 23% है, तो इन दोनों में आपका जो है 16.6% से ज़्यादा खर्चा कर रहा है। तो 1000 रुपये से अधिक खर्च कहाँ कहाँ कर रहा है, दो जगहों पे। वही पूछा गया कितनी चीज़ों पर 1000 से ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो यहाँ देखिए कितनी चीज़ों पर कर रहा है आपका जो है, दो चीज़ों पर 1000 से ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको देखिए पाई चार्ट के क्वेश्चन किसी प्रकार के हो सकते हैं, इसको आपको हल करने के लिए आपको अर्थमेटिक अच्छा से आना चाहिए। अर्थमेटिक बोले तो परसेंटेज आपके पास पूछा जा सकता है, कोई भी लाभ हानि पूछा जा सकता है, अंतर पूछा जा सकता है, कुछ भी आपके पास पूछ देता है, लेकिन इस बार जो है परसेंटेज के फॉर्म में आया हुआ था, ठीक ना। इस प्रकार से आपको 5 प्रश्न, तो मैं परसेंटेज के फॉर्म में ही आपके पास क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अब यहाँ देखिए समान व्यक्ति मतलब वही व्यक्ति जो है जो 6000 रुपये आपका प्रति मंथ कमा रहा है, उसी व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है कि वही व्यक्ति जो है 1800 रुपये का खर्च किस चीज़ के लिए करता है। ठीक, 1800 रुपये का खर्च किस चीज़ के लिए करता है, जो व्यक्ति 6000 रुपये प्रति मंथ कमा रहा है वो व्यक्ति जो है 1800 रुपये का खर्च किस चीज़ के लिए करता है। तो 1800 रुपये को हम निकाल लेंगे 6000 का कितना परसेंट है, तब हमने अपने को पता चल गया कि वो कितना परसेंट है, उस परसेंट को इसमें से किसमें आपका खपत कर रहा है वो। ठीक ना, क्योंकि इसमें हर क्वेश्चन में अपने को परसेंटेज निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि सारा वैल्यू जो है परसेंट में दिया हुआ है। ठीक, तो परसेंट में दिया जाए तो वैसे ही कीजिएगा। इसमें देखिए 1800 6000 का कितना परसेंट है, ऐसे निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1800 बटा 6000 गुणा में आपका 100 कर देंगे। एक मिनट, कैंसिल हो गया क्या, यहाँ देखिए 1800 बटा में 6000 गुणा में यहाँ क्या करेंगे, 100 करेंगे। अब इसको देखिए हम इसको काट लेते हैं, तो ए जीरो से ए जीरो कैंसिल, एक जीरो से दूसरा जीरो से दूसरा जीरो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद तीसरा जीरो से ए तीसरा जीरो कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद छः कम छः हो जाएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 3 गुणा 10, कितना बचा 3 गुणा 10 बचा मतलब 10 तिया 30, कितना हुआ 30% अपने पास निकल कर आया। अब ध्यान से देखिए 30% आपका किसमें खर्च किया जा रहा है, तो यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि मकान किराया 30%, तो 30% किसमें, जो 1800 है वो 6000 का कितना परसेंट हुआ, 30% हुआ। अब 30% किसमें खर्च किया जा रहा है, मकान किराए में, तो यहाँ वही पूछा है किस चीज़ के लिए खर्च करता है 1800 रुपये, तो मकान किराया ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, मकान किराया आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम अगला प्रश्न हमारे पास दिया हुआ है कि उस व्यक्ति के लिए वार्षिक बचत लगभग कितनी होगी, उस व्यक्ति के लिए क्या पूछा गया है कि वार्षिक बचत कितनी होगी, उसी व्यक्ति के लिए है ये, ठीक ना, जो व्यक्ति 6000 रुपये प्रति मंथ कमाता है। इसमें सारे प्रश्न उसी व्यक्ति के लिए है, लेकिन सभी प्रश्नों में लिखा नहीं गया है, उसको तो पाई चार्ट में ही लिख देना चाहिए कि कुल कमाई जो है कुल है 6000, लेकिन इसमें क्वेश्चन में दिया गया था। ठीक, पहला क्वेश्चन में, तो यहाँ समझिएगा उसी व्यक्ति के लिए वार्षिक बचत लगभग कितनी होगी, तो बचत को हम पहले निकाल लेते हैं। बचत यहाँ देखिए कितना है, 23% है बचत, अपने पता है कि बचत यहाँ दिया गया है, यहाँ देखिए आपका बचत जो है 23% है। ठीक, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा कि 6000 का 23% कितना होगा, ये निकालना पड़ेगा। वार्षिक बचत लगभग कितनी है, तो बचत आपका परसेंट के रूप में यहाँ दिया गया है कि बचत जो है 23% है, वो आपका परसेंट के वैल्यू को हमको नॉर्मल वैल्यू में लाना है, ठीक ना, मतलब पूर्णांक में लाना है, तो वो कितना निकल कर आएगा। तो 6000 का 23% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6000 गुणा 23% का मतलब होता है, किसी भी चीज़ का परसेंट का मतलब होता है बट्टा में 100, क्या करेंगे 6000 गुणा 23 बट्टा 100, तो अपने पास निकल कर आएगा 23% का वैल्यू। तो इसके लिए अब हम इसको काट देंगे। इस प्रकार से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आपका यहाँ कैंसिल हो जाएगा, हम क्या कर रहे थे 6000 मल्टीप्लाई 23 बट्टा 100, कलर चेंज करने के चक्कर में यहाँ देखिए दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे,
उसके बाद नीचे एक आ गया तो नीचे से अपने कोई लेना देना नहीं है, 23 गुणा 6 करेंगे और एक जीरो उसके बाद लगा देंगे तो 23 छिका 6 तिया 18 हो जाता है, 6 दूना 12 हो गए 13 हो जाता है, उसके बाद एक जीरो कितना हो गया आपका जो है 1380 रुपये, कितना निकल कर आया अपने पास 1380 रुपये। अब यहाँ एक बात ध्यान से आप ध्यान दीजिएगा कि वार्षिक बचत अपने पास पूछा गया है, ये जो है 6000 रुपये कमाई कितना है आपका मासिक कमाई है, 6000 रुपये जो है महीने में कमाता है, कितने में महीने में 6000 रुपये कमाता है, हम वार्षिक बचत पूछा गया है, वार्षिक बचत मतलब एक एक महीने का कमाई 6000 है ठीक ना, तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 महीने, तो एक महीने में आपका 1380 रुपये बचा रहा है, बंदा जो है एक महीने में कितना बचा रहा है आपका 1380 रुपये बचा रहा है, तो 12 महीने में कितने बचाएगा तो 1380 गुणा 12 कर देंगे तो अपने पास निकल कर आ जाएगा 12 महीने में कितने बचाएगा, तो 1380 गुणा 12 करेंगे तो यहाँ 12 सुनम सुन आ जाएगा आपका, 12 अठे 96 आ जाएगा, 6 हाथ में आई 9 बारह या 36 सौ 9 45 आ जाएगा, 4 बच जाएगा, 12 एकम 12 और 4 16 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 16560 रुपये, कितना 16500 रुपये 560 रुपये एक वर्ष में वह बचाएगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा आप, यहाँ वार्षिक बचत बोला गया है और वहाँ जो कमाई बोला गया था वो मासिक कमाई मासिक आय बोला गया था, तो माह में 6000 कमा रहा है तो माह में 1380 बचा रहा है, तो एक वर्ष में कितना बचाएगा 1380 गुणा 12 कर देंगे तो आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ देखिए 16560 निकल कर आया हुआ है जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हमारे पास कि इस व्यक्ति के लिए मासिक वेतन क्या होगा यदि खर्चों का स्वरूप समान रहे लेकिन पेट्रोल का खर्च 500 रुपये जो है, क्या बोला गया है कि इसी व्यक्ति के लिए मासिक वेतन क्या होगा। यहाँ मासिक वेतन अब नहीं दिया गया है, ध्यान से समझिए, वो मासिक वेतन इसका नहीं है, यहाँ मासिक वेतन चेंज हो जाएगा। यहाँ बोला गया है कि उस व्यक्ति के लिए मासिक वेतन क्या होगा यदि खर्चों का स्वरूप समान रहे, खर्च जो है जितने परसेंट कर रहा है उतने परसेंट ठीक करे लेकिन पेट्रोल का खर्च जो है 500 रुपये हो, तो पेट्रोल का यहाँ पैसा बता दिया गया है और यहाँ जो है पेट्रोल का परसेंट बता दिया गया है। यहाँ ध्यान से देखिए, पेट्रोल बताया गया है कि पेट्रोल पे 10% खर्चा करता है, मतलब 10% का मान यहाँ अपने पास दे दिया गया है 500, 10% का मान कितना दिया गया है 500 दिया गया है, तो अपने पास कुल मासिक वेतन पूछा गया है, तो कुल मासिक वेतन क्या होता है मैं आपको अभी बताया कि सारे परसेंट को जोड़ेंगे तो 100% आएगा, तो कुल मासिक वेतन मतलब कुल आय मतलब नहीं मतलब कितना कमा रहा है एक महीने में ठीक ना, तो कितना कमाता है 100% कमाता है, 10% का वैल्यू दिया गया है 100% का वैल्यू निकालना है ठीक, तो 100% का वैल्यू निकालने क्या करेंगे 10 में क्या करेंगे 10 का गुणा कर देंगे तो 100 हो जाएगा। यहाँ ध्यान से समझिए, 10 यहाँ दिया गया है, इसमें यदि हम 10 का गुणा कर दें तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 10 दहम 100 तो यहाँ 500 में भी 10 का गुणा कर देंगे तो दोनों तरफ 10-10 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा। ऐसे यदि आपको नहीं समझ आएगा तो ऐसे ध्यान दीजिए, 10% का वैल्यू यहाँ 500 दिया गया है तो 100% का वैल्यू हो जाएगा 500 बट्टा 10 गुणा 100, क्या हो जाएगा 500 बट्टा 10 गुणा 100, क्योंकि 500 बट्टा 10 1% का वैल्यू और गुणा 100 कर देंगे तो 100% का वैल्यू, इस प्रकार से आपका 100% का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। अब इसको यदि हम काटना चाहें तो काट सकते हैं, एक जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल, उसके बाद देखिए 5 एकम 5 यहाँ 5 एकम 5 एक जीरो बचा हुआ है, 2 जीरो यहाँ बचा हुआ है, 3 जीरो, तो यहाँ टोटल कितना निकल कर आ जाएगा 5000 रुपये। इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, एकदम सरल कैलकुलेशन है, यदि आप जानेंगे हल्का भी कैलकुलेशन जानते होंगे तो यहाँ कितना निकल कर आ जाएगा आपका 5000, 50 गुणा 100 करेंगे तो 5000 निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक। कितना कमा रहा है 5000 रुपये प्रति मंथ हुआ कमा रहा है यदि पेट्रोल पर 500 रुपये खर्च कर रहा है तो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हम और अगला प्रश्न देखते हैं हम, यहाँ देखिए कपड़ों और बचत पर खर्च का प्रतिशत किस एकमात्र वस्तु पर खर्च के बराबर है। कपड़ों और बचत पर जो खर्च का प्रतिशत है ठीक, कपड़ा व बचत पर जो खर्च का प्रतिशत है किस एकमात्र वस्तु के प्रतिशत के बराबर है, ये तो एकदम सरल प्रश्न है। देखिए कपड़ा पर खर्च का प्रतिशत कितना दिया गया है, कपड़ा कहाँ है आपका कपड़ा और बचत पर खर्च का प्रतिशत, बचत पर कितना खर्च यहाँ दिया गया है 23%, बचत पर 23% खर्च दिया गया है, और कपड़ा पर कितना दिया गया है, कपड़ा यहाँ नीचे दिया गया है, यहाँ ध्यान से देखिए जो आपको नहीं दिख रहा होगा,
ये देखिए कपड़ा पर यहाँ 7% दिया गया है, ठीक, इसको आप ध्यान से देखिए, कपड़ा पर 7% दिया गया है, तो बचत पर आपका 23% दिया गया है, कपड़ा पर आपका 7% दिया गया है, इन्हीं दोनों को जोड़ दीजिए तो 23/7 आपका 30% निकल कर आ जाता है, ठीक। और इसी को पूछा गया है कि कपड़ा पर और बचत पर जो खर्च के प्रतिशत का योग है वो किसके बराबर है, तो 30% के बराबर है। 30% किसके बराबर है, मकान किराया के खर्च के बराबर, मकान किराया में यहाँ 30% खर्च किया जा रहा है, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है, तो इसके बराबर है, तो वही आपके पास पूछ रहा है, चूंकि मैं इसका आंसर निकाल सकते हैं हम कि जो है कपड़ा और बचत पर खर्च का प्रतिशत जो है मकान किराए के प्रतिशत के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा। चलिए ये थे पांचों प्रश्न, इसके देखिए इस प्रकार के पाई चार्ट से इस प्रकार के प्रश्न आपके पास बन सकते हैं, बनते हैं, तो इसको आप इस प्रकार से हल करेंगे परसेंटेज वाले। अब देखिए यदि हम इसको देखें तो इसमें दो पाई चार्ट आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपका थोड़ा मॉडरेट लेवल इसको बोला जा सकता है, ठीक, लेकिन बाकी सरल भी है ये भी, ठीक ना, कोई हार्ड नहीं है। यदि आपको परसेंट का थोड़ा सा भी ज्ञान होगा तो आप इसको हल कर लेंगे, क्योंकि परसेंट के दोनों पाई चार्ट लिया हूँ मैं, ठीक नहीं, इसमें एक पाई चार्ट थोड़ा सरल है, एक पाई चार्ट थोड़ा आपका जो है जटिल टाइप से है, क्योंकि आपके पास थोड़ा मॉडरेट भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। उसके बाद लाइन चार्ट का भी एक पाई चार्ट हम कर लेंगे, जिससे आपका 10 नंबर सेपरेट हो जाएगा, ठीक, यदि आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना समझ जाएंगे तो। याद देखिए बोला गया है कि निम्न पाई चार्ट में एक बैंक के कर्मचारियों के विभिन्न ग्रेडों का विवरण तथा इसमें पुरुष का प्रतिशत दिया गया है। यहाँ जो है कर्मचारी के विभिन्न ग्रेडों का प्रतिशत बताया गया है, ठीक, कुल कर्मचारी कितने हैं, 8000 कर्मचारी हैं, जिनमें जो है अलग अलग विभाग के कर्मचारी हैं, तो जो है यू के 20% कर्मचारी हैं, ठीक ना, पी के 18%, क्यू के 12%, टी के 19%, इसी प्रकार से नीचे दिया गया है जो यहाँ नहीं दिख रहा हुआ है, ठीक, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए उसके बाद दिया गया है कि आर के 16% हैं, यस के आपके जो है 15% हैं, इस प्रकार के कर्मचारी आपके दिए हुए हैं, ठीक ना, जिनमें इन कर्मचारियों में बगल में जो दिया गया है वो पुरुष का परसेंट है, इन कर्मचारियों में जो यहाँ दिया गया है पुरुषों का प्रतिशत है, यहाँ देखिए, ठीक, पुरुष का प्रतिशत दिया गया है, पुरुष कितने प्रतिशत है, कुल पुरुष आपका 3200 है, ठीक, 3200 हैं, यू के 26% हैं, पी के में 20% पुरुष हैं, क्यू में 17%, टी में 14%, इसी प्रकार से यस में 12% हैं, आर में 11% हैं। तो इसको आप देखिए इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए आप एक बात ध्यान दीजिएगा, पहले तो मैं आपको बताया कि परसेंट को आप गिन लीजिएगा 100% है या नहीं, ठीक, तो ये तो आपका 100% ही होगा, मतलब आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, यदि आपके पास समय हो तो, समय ना हो तो मत गिनिएगा, क्योंकि समय पास होगा आपका, क्योंकि हमेशा 100% रहता है। यहाँ देखिए 20 10 30 8 38 हो जाएगा, 38 10 48 2 40 हो जाएगा, 40 10 50 6 56 हो जाएगा, 56 और जो है 5 61 61 10 71 हो जाएगा, 81 हो जाएगा, देखिए 20 10 30 8 38 हो जाएगा, 38 48 2 50 हो जाएगा, 50 10 60 6 66 66 10 76 5 81 81 9 90 10 100, ठीक, टोटल 100% हो जाएगा, इसको भी आप गिन सकते हैं। यहाँ देखिए 20 20 40 6 46% हो जाएगा, 46 10 56 9 4 60 3 63 हो जाएगा, 63 10 73 1 74 हो जाएगा, 74 84 86 हो जाएगा, और 86 और 14 जोड़ेंगे तो 100% आ जाएगा, ठीक, दोनों 100% आ जाएगा। तो यहाँ कुल कर्मचारियों की संख्या दिया गया है, तो यहाँ अपने को 1% का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं हम, वो ज़्यादा बेटर अपने को रहेगा, ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ कुल 100% दिया गया है और 100% का वैल्यू अपने पास यहाँ जो है इसमें 8000 दिया गया है, ठीक, तो 1% का वैल्यू क्या होगा, तो 1% का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या कर देंगे, हम कर देंगे 8000 बट्टा में यहाँ कर देंगे 100, तो अपने पास 1% का वैल्यू यहाँ निकल कर आ जाएगा, ठीक, तो 1% का वैल्यू दोनों में हमको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सारे सवाल में परसेंट से आपको पता है कि निकालने पड़ते हैं परसेंट, तो यहाँ 1% का वैल्यू पता रहेगा, उसका गुणा कर देंगे डायरेक्ट निकल जाएगा, तो 1% का वैल्यू 8000 बटा 100 होगा, तो इन दोनों जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो कितना बचेगा अपने पास 80, कितना बचेगा 80, तो इसमें देखिए इसमें जो है 1% का वैल्यू 80 है, और इसमें यदि हम बात करें 1% का वैल्यू, तो इसमें भी 100% बराबर 3200 है, तो 3200 बटा 100 कर देंगे, तो आपका 1% का वैल्यू निकलेगा, दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा 32, तो पुरुष में यहाँ देखिए पुरुषों का प्रतिशत में 1% बराबर 32 है, इसको याद रखिएगा, और जो है कर्मचारियों में 1% बराबर 80 है। अब देखिए आगे हम प्रश्न हल करना यहाँ स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए पाई चार्ट आपको छोटा दिखाया गया है, एक बात ध्यान दीजिएगा, पाई चार्ट छोटा दिखाने का मतलब ये है कि यहाँ जगह अपने पास नहीं बचता है, यदि पाई चार्ट थोड़ा बड़ा कर देता मैं तो इसको आप कन्वेंस करके रखिएगा, बाकी तो आप सभी को यहाँ से पता चल जाएगा कितने परसेंट है, नहीं होगा तो ऊपर तो मैं आपको दिखाई दिया हूँ, ठीक, बाकी देख लेंगे जो जो पता नहीं चलेगा। यहाँ देखिए ग्रेड यू में महिलाओं का पुरुषों से अनुपात क्या है, ठीक, महिलाओं का पुरुषों से अनुपात, अब यहाँ यदि आपको 1% का वैल्यू पता नहीं रहेगा
तो आप अनुपात नहीं निकाल पाएंगे, ठीक, क्योंकि अनुपात निकालने के लिए आपको जो है फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा, भिन्न के अनुपात में आपको परसेंट को चेंज करना पड़ेगा। तो ग्रेड यू में बोला गया है, ग्रेड यू में यहाँ कुल कर्मचारी कितने बोला, कितना बताया गया है 20%। ग्रेड यू में कुल कर्मचारी जो है 20% है, 20%, और 1% का वैल्यू अभी अपने को पता है 80 है, तो 20% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20 × 80 हो जाएगा, ठीक, 20 × 80 हो जाएगा, बोले तो 8 × 2 यहाँ 16 हो जाएगा, और 00 × 00 कुल कर्मचारी कितने हैं यू में, 1600 है। अब यहाँ पुरुष कितने हैं उसको निकाल लेते हैं हम, तो पुरुष कितने हैं यू में, पुरुष जो है 26% है, कितने हैं यू में, पुरुष जो है 26% है, तो 26% का वैल्यू यदि हम पुरुष में निकालें तो 26 × आपका जो है 32 हो जाएगा। आप सभी को पता है कि 1% का वैल्यू 32 था पुरुष में, तो 26 × 32 हो जाएगा। अब 26 × 32 करेंगे तो 26 × 52 हो जाएगा, 2 आपका हासिल 5 बच जाएगा, 26 × 3 आपका कितना 78 हो जाता है, 78 × 5 = 83 हो जाता है, टोटल कितने निकल कर आ गए, 832 निकल कर आया, ठीक। तो पुरुष कितने हुए 832 हुए, और कुल कर्मचारी कितने हैं, ध्यान दीजिएगा कुल कर्मचारी आपके 1600 हैं जिसमें से पुरुष 832 हैं, तो यदि हम 1600 में 832 को घटा दें तो महिला कर्मचारियों की संख्या निकल जाएगी, और वही बोला गया है कि महिलाओं का पुरुषों से अनुपात निकालना है, तो इसको अब मैं मिटा देता हूँ, ठीक, इसको आप ध्यान से समझ गए होंगे। कितने कुल कर्मचारी थे अपने पास, कुल कर्मचारी अपने पास थे 1600, 1600 में 832 जो है पुरुष थे, इनको यदि हम माइनस कर देते हैं तो महिला कर्मचारियों की संख्या निकल जाता है, तो इसमें माइनस करते हैं, 10 में 2 जाएगा आपका 8 बच जाएगा, 9 में 3 जाएगा आपका 6 बच जाएगा, उसके बाद आपका जो है 15 में 8 जाएगा 7 बच जाएगा, कितने हो गए आपके 768 जो है महिला कर्मचारी हैं, यहाँ 768 महिला कर्मचारी हैं। अब अपने पास निकालना है महिलाओं का पुरुषों से अनुपात, मतलब 768 बट्टा, अनुपात का मतलब बट्टा होता है, 768 बट्टा 832, इसी को अनुपात का मतलब होता है छोटे से छोटे फॉर्म में चेंज करना, तो ये छोटे से छोटे फॉर्म में इसको चेंज करना है, ये जो है आपका ये जो नंबर भी है, नंबर भी पटान टाइप से आया हुआ है, तो इसको आप कैसे चेक करेंगे इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, ठीक, कि इसको अब हम कैसे जानेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो जिसका भी पहाड़ा आपको अच्छा लगे, जैसे ऊपर यहाँ 14, 15, 11, 12 दिया हुआ है, तो आप 768 को यहाँ चेक कर लीजिए कि किसमें से इनमें से कट रहा है, यदि दोनों से कटेगा तो नीचे वाले से हम चेक करेंगे। जैसे देखिए 14 से यदि हम काटने के लिए देखें, 768 को 14 से कट रहा है या नहीं, ठीक ना, तो 14 से कटने के लिए यहाँ देख 14 × 5 = 70 हो जाएगा, बचेगा 6 = 68 जो कि नहीं कटेगा। बाकी आप अपने जो भी तरीका अपनाना चाहें अपना सकते हैं, समय कम करने के लिए आप इसी प्रकार से अपनाएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे, यदि आपका जो है पहाड़ा अच्छे से होना चाहिए आपका 20 तक, ठीक। 15 से यदि हम चेक करें ऊपर का कटेगा कि नहीं, तो 15 से गारंटी है नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में 8 है, 8 जो है 15 से नहीं कटेगा, 15 से वही कटेगा जिसके लास्ट नंबर 0 हो या 5 हो। आगे 11 से बात करें तो 11 से भी नहीं जाएगा, क्योंकि 11 से अपने पता है कि इवन को जोड़ते हैं और ओड को जोड़कर घटा देते हैं तो 0 आता है या 11 आता है, तो कैसे इसको चेक कर सकते हैं, 11 × 66 बचेगा 10, 108 बचेगा जो कि 11 से नहीं जाएगा। 12 से चेक करते हैं तो 12 × 72 हो जाएगा, 4 बचेगा 48 हो जाएगा, 12 × 48 जी 12 से पूरी तरह से 768 चला जाएगा, और 12 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 768 केवल 12 से ही जा रहा है, बाकी 14, 15, 11 से नहीं जा रहा है, तो अपने को ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से थोड़ा दिमाग को एफर्ट डालिएगा और अच्छे से हल कीजिए, कम समय में आप हल कर पाएंगे, वरना कम समय में हल करने में दिमाग खराब हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, क्योंकि प्रश्न थोड़ा कैलकुलेटिव दिया गया था। अगला प्रश्न हम अपने पास है, आपका कैलकुलेशन पूछा गया, देखा गया था, बाकी कुछ भी उसमें कठिन नहीं था, एकदम सरल था, बस आपका कैलकुलेशन स्पीड होना चाहिए उसके लिए। हाँ, ये देखिए यहाँ बोला, पूछा गया है कि ग्रेड आर में जो है पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर का आधा क्या है, ठीक, ग्रेड आर में। तो ग्रेड आर को इसके लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा, ग्रेड आर में जो प्रतिशत दिया गया है वो आपका जो है 16%। इसमें देखिए कुल कर्मचारी में ग्रेड आर जो है 16% है, और 16% का वैल्यू आप सभी को बता देता हूँ, 16 × 80, क्योंकि 1% का वैल्यू 80 हमने निकाला था, तो 16 × 80 हो जाएगा, 16 × 128 हो जाएगा, मतलब 1280 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1280, ठीक। अब यदि हम पुरुषों की बात करें इसमें, क्योंकि पुरुष और महिलाओं के अंतर का आधा पूछा गया है, तो अपने को निकालना ही पड़ेगा, उसका मान बिना निकाले हम निकाल नहीं सकते। किसमें पूछा गया है, आर में, आर में यहाँ पुरुषों का परसेंट कितना है, यहाँ पुरुषों का परसेंट जो है आर में है आपका 11%, आर में पुरुष कितने हैं 11% है, इसको आपको ध्यान से यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा आर में पुरुष जो है 11% है, और 1% पुरुष का मतलब क्या था 32, तो 11% का मतलब 11 × 32 हो जाएगा, और 11 × 32 यदि हम करेंगे तो 11 × 22 अपने पास निकल कर आएगा, बचेगा 2 × 11 = 33 × 2 = 35, 352 पुरुष कितने निकल कर आएंगे, 352 निकल कर आएंगे,
यहाँ देखिए 352 पुरुष अपने पास हैं, ठीक, और टोटल कितने हैं 1280 टोटल कर्मचारी हैं जिसमें 352 पुरुष हैं, तो 1280 में 352 घटा लेते हैं, महिलाओं का निकल जाएगा, फिर उनके अंतर का हम आधा कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा मोटा हो गया है, 1280, ठीक, 1280 माइनस जो है 352 कर देंगे, 1280 माइनस 352 जब इसको हम घटा लेंगे तो महिलाओं की का संख्या निकल जाएगा, उन दोनों को फिर अंतर कर देंगे तो आपका जो है उसका आधा कर देंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। महिलाओं की संख्या निकालने के लिए देखिए 1280 माइनस 352 करते हैं, 10 में 2 जाएगा आपका 8 बच जाएगा, उसके बाद आपका जो है 7 में 5 जाएगा 2 बच जाएगा, और आपका 11 में 3 जाएगा 8 बच जाएगा, कितने हो गए 828 जो है महिला कर्मचारी हैं। अब देखिए महिलाओं पुरुषों और महिलाओं के अंतर निकालना है, ठीक, तो 828 माइनस में यहाँ 352 कर देंगे, 828 माइनस 352 तो इसमें 8 में 2 जाएगा आपका 6 बचेगा, 12 में 5 जाएगा 7 बचेगा, और 7 में 3 जाएगा 4 बचेगा, कितना बचेगा 476। अब इसी 476 बट्टा 2 करना है, 476 को 2 से भाग देना है तो जो आएगा वही अपने को उनके अंतर का आधा हो जाएगा, तो 476 बट्टा 2 करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 8 16 कितना निकल कर आया 288। तो 288 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको आंसर जो है निकालना है इसमें, तो ऑप्शन नंबर ए आपका 288 सही आंसर हो जाएगा इसमें। तो इसमें थोड़ा सा एफर्ट लगाना है आपको, पाई चार्ट हल करने के लिए आपको थोड़ा गणित आना चाहिए, क्योंकि परसेंट में रहेगा तो परसेंट को हल करने आना चाहिए, और थोड़ा आपको कैलकुलेशन अच्छा आपका होना चाहिए, ठीक, परसेंट वाला आएगा तो इस एक बात को आप ध्यान रखिएगा। बाकी पाई चार्ट कोई भी प्रश्न है आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा उसमें, यदि मॉडरेट लेवल का आता है और सरल लेवल का आता है फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपका आंसर आ जाता है। आगे देखिए यहाँ बोला गया है ग्रेड पी में महिला कर्मचारियों की संख्या ग्रेड पी में पुरुष कर्मचारियों का कितने परसेंट है, ठीक, ग्रेड पी में जो है महिला कर्मचारियों की जो संख्या है ग्रेड पी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का कितना परसेंट है, तो इसके लिए भी महिला पुरुष को अपने को निकालना पड़ेगा तभी तो हम निकाल पाएंगे ना। तो इसमें देखिए ग्रेड पी कहाँ दिया गया है, यहाँ ग्रेड पी में कितने परसेंट हैं कुल कर्मचारी, 18% है, ठीक, 18% कुल कर्मचारी हैं, तो 18% का वैल्यू क्या हो जाएगा 18 × 80 हो जाएगा, 18 × 80 बोले तो 18 × 8 = 126, 18 × 8 = 144, 144 और 10 कुल कर्मचारी कितने हो गए आपके जो है ग्रेड पी में 1440, और पुरुष कर्मचारी कितने हैं आपके ग्रेड पी में, ग्रेड पी में पुरुष कर्मचारी जो है 27% हैं, कितने हैं सॉरी 20% है, ग्रेड पी में जो है पुरुष कर्मचारी 20% हैं, तो 20% का वैल्यू ये यहाँ से हम निकाल लेते हैं, 1% पुरुष का मतलब 32 है, 20% मतलब 20 × 32 हो जाएगा, और 20 × 32 का यदि हम मान निकालें तो अपने पास 32 × 64 हो जाएगा, मतलब 640 निकल कर आ जाएगा। टोटल 1440 जो है कर्मचारी हैं जिनमें से 640 जो है पुरुष हैं, तो 1440 में 640 को घटा लेते हैं अपने पास आंसर निकल कर आ जाएगा। यहाँ देखिए 1440 टोटल कर्मचारी हैं जिनमें से 640 जो हैं क्या हैं पुरुष हैं, तो महिलाओं का हम यहाँ अनुपात निकाल लेते हैं, महिलाओं का कितना जनसंख्या है, तो यहाँ देखिए 0 में 0 जाएगा 0, 4 में 4 जाएगा 0, 14 में 6 जाएगा 8, कितना बचेगा 800 महिला कर्मचारी हैं और 640 पुरुष कर्मचारी हैं। तो यहाँ बोला गया है कि महिला कर्मचारियों की संख्या ग्रेड पी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का कितना परसेंट है, पुरुष का कितना है, किसका कितना परसेंट है, जिसका बोले उसको नीचे में, ठीक, किसका, पुरुष कर्मचारियों का, पुरुष कर्मचारी कितने हैं 640, तो 640 को नीचे में लिखिए, ऊपर में कितना लिखना पड़ेगा महिला कर्मचारियों की संख्या, महिला कर्मचारियों की संख्या 800 है, अब परसेंटेज पूछा गया है तो बट्टा में यहाँ 100 करना है, परसेंट पूछा गया है मतलब बट्टा में अपने को 100 करना है, ठीक। अब यहाँ देखिए अब आप इसको हल कर दीजिए आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए हम काट लेंगे जो जो कट रहा है उसको, 10 से आपका 10 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 8 से यदि हम काटें तो 8 × 8 = 64 हो जाता है, और यहाँ आपका जो है 10 × 8 = 80 हो जाता है, ठीक। इस प्रकार से आपका कट जाएगा ग्रेड पी में महिला कर्मचारियों की संख्या ग्रेड पी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का कितना परसेंट है, तो यहाँ 10 × 8 हो जाएगा, 10 × 100 करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और 1000 × 8 अपने पास निकल कर आ जाएगा, ठीक। अब इसको यदि हम हल करेंगे तो कितना आएगा, तो 8 × 1 = 8 आएगा आपका, बचेगा 2, उसके बाद 20 हो जाएगा, 8 × 2 = 16, उसके बाद 4 बचेगा, 8 × 5 = 40, कितना निकल कर आएगा, टोटल 125 निकल कर आएगा, भाग दे सकते हैं आराम से, ठीक। तो देखिए 125 निकल गया, मतलब 125% महिला कर्मचारियों की संख्या ग्रेड पी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का 125% है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 125%, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और इसको फिर हल करते हैं।
यहाँ बोला गया है कि महिला कर्मचारियों की संख्या किस ग्रेड में सर्वाधिक है। क्या पूछा गया है कि महिला कर्मचारियों की संख्या जो है किस ग्रेड में सर्वाधिक है। अब महिला कर्मचारियों की संख्या किस ग्रेड में सर्वाधिक है पूछा गया है, तो सबसे पहले तो सभी ग्रेड में महिला कर्मचारियों का अपने को परसेंटेज महिला कर्मचारियों की संख्या निकालना पड़ेगा, तभी तो हम निकाल सकते हैं ना किस ग्रेड में महिला कर्मचारियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो अभी हमने दो तीन ग्रेड में निकाल चुके, अब यहाँ आप एक बात ध्यान दीजिएगा, यदि आप रफ कार्य कर रहे हैं ठीक, तो आप पिछले जो जितने भी हम निकाले, जैसे हमने निकाला पी में ठीक ना, यू में, आर में, पी यू और आर, इन तीनों में हमने जो है महिला कर्मचारियों की संख्या निकाल चुके हैं हम ठीक। तो इसको यदि आप अभी नोट करके रखे होते तो रखे, यदि आप पेपर देने बैठे हैं और यदि अच्छे से रफ कार्य में लिखे रहेंगे तो आपको फिर से निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसी प्रश्न को पाई चार्ट के पूछे जा सकते हैं ठीक, उसकी आवश्यकता अंकों की पड़ती है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि पी क्यू आर का अभी हमने महिला व पुरुषों का अनुपात निकाल लिया है ठीक, महिलाओं की जनसंख्या और पुरुषों की जनसंख्या, तो पी क्यू आर का आपने पता रहेगा, तो पी क्यू आर का निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि टोटल अपने को पूछा गया है किस ग्रेड में सर्वाधिक है। तो इसके लिए अपने को जितने भी यहाँ दिए हुए हैं पी क्यू आर एस टी यू, सभी में अपने को महिला कर्मचारियों की संख्या निकालना है। तो अभी संख्या हमने कैसे निकालना है, संख्या कैसे निकालते हैं, मैं अभी आपको बता चुका हूँ पिछले प्रश्न में, सभी में अपने को संख्या निकालना है। जैसे देखिए पी क्यू आर में निकाल चुके हैं, यस में निकालना चाहें तो यस में टोटल कितने कर्मचारी हैं, 15% कर्मचारी हैं ठीक, यस में टोटल आपके 15% कर्मचारी हैं, तो 15% का मतलब हो जाएगा 15 × 80, और 15 × 80 का मतलब हो जाएगा आपका जो है 15 × 90 = 120, टोटल 1200 कर्मचारी हो जाएंगे। अब इसमें पुरुष कितने हैं यस में, तो पुरुष हैं आपके 12%, तो 12% का मतलब कितना हो जाएगा 12 × 32, क्योंकि 1% पुरुष का मतलब 32 है, तो 12 × 32 करेंगे तो 32 × 2 = 64 निकल कर आएगा आपका, 6 बच जाएगा, 32 से कम 32 और 6 = 38, 384 पुरुष हैं इसमें, 1200 कर्मचारी हैं जिनमें 384 पुरुष हैं, तो 1200 में यदि हम 384 को माइनस कर दें, 1200 में 384 को माइनस कर दें, तो अपने पास महिला की जनसंख्या निकल कर आ जाती है ठीक। तो कितना आ जाएगा, 10 में 4 जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 9 में 8 जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 11 में 3 जाएगा आपका 8 हो जाएगा, 816 क्या है, यहाँ एक है ध्यान दीजिए, 816 इसमें क्या है महिला कर्मचारी हैं, यस में कितने महिला कर्मचारी हैं आपका जो है 816 यस में जो है महिला कर्मचारी हैं। तो इस प्रकार से आप अलग अलग सभी में महिला कर्मचारियों की संख्या निकाल के, तीन में पहले निकाला जा चुका है उसको आप देख के, बाकी दो में और महिला कर्मचारी निकाल के जिसमें सबसे ज़्यादा महिला कर्मचारी हैं उसको यहाँ से टिक लगा सकते हैं। तो ये आपका जो है HW है या फिर आपका वर्क है, इसको आप खुद से निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन वही करना पड़ेगा ठीक, और इसमें ज़्यादा जगह स्पेस ना होने के कारण आप अपने कापी में अच्छे से कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे आपको पता भी चलेगा कि आप निकाल पा रहे हैं या नहीं निकाल पा रहे हैं ठीक, कि किस ग्रेड में सबसे ज़्यादा कर्मचारी हैं, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और लास्ट प्रश्न देखते हैं, ये भी पाई चार्ट का पांचवा प्रश्न है ठीक, दूसरे पाई चार्ट का। तो यहाँ देखिए आपका जो है ग्रेड एस में महिलाओं की संख्या समान ग्रेड में पुरुष कर्मचारियों की संख्या का कितने परसेंट है, क्या पूछा गया है, ग्रेड एस में जो है महिलाओं की संख्या जो है समान ग्रेड में पुरुषों कर्मचारियों की संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो ग्रेड एस के लिए अपने को पुरुष व महिलाओं का अब मान निकालना पड़ेगा, ग्रेड एस में कितना दिया गया है, ग्रेड एस में अभी हमने निकाला है, अभी निकाले हम 15% टोटल कर्मचारी हैं, तो 15 × 80 किए थे, 15 × 80 किए थे, तो ये देखिए फिर से कैलकुलेशन ना करना पड़े, इसलिए आप पिछला जो पाई चार्ट में करेंगे उसको आप अच्छे से कीजिएगा रफ कार्य को, ताकि आपको फिर देखने में सहायता मिले, ताकि आपका समय बचे, वरना आपका समय बहुत ही ज़्यादा चला जाएगा। अभी हमने इसको निकाला था 1440 करके ठीक, इस प्रकार से नहीं 1200 आया हुआ था ठीक, 1200 आया हुआ था। उसके बाद यस में जो है पुरुष का कितना आया हुआ था, पुरुष का यस में 12% है, तो यहाँ हमने क्या किया था 12 × 32 किया था, क्योंकि 32% पुरुष का वैल्यू 32 है, तो यहाँ अपने पास निकल कर आया हुआ था 32 × 64 = 38 ठीक, 384 निकल कर आया था पुरुष की जनसंख्या, और 1200 महिला की जनसंख्या, यदि हम यहाँ 1200 सॉरी कुल जनसंख्या ठीक, अब इसमें यदि हम महिला की जनसंख्या निकालने के लिए क्या किए थे, हम 1200 में 384 को घटा दिए थे, तो 1200 में 384 घटाए थे, तो महिला जनसंख्या अपने पास निकल कर आया हुआ था 816, कितना निकल कर आया हुआ 816। अब यही पूछा गया कि ग्रेड एस में जो है महिलाओं की जनसंख्या जो है समान ग्रेड में पुरुषों की जनसंख्या से कितने प्रतिशत अधिक है ठीक, तो महिलाओं की जनसंख्या जो है पुरुषों से कितना अधिक है, महिलाओं की जनसंख्या 816 है, पुरुषों का 384 है।
अब इसको ध्यान दीजिएगा, 816 जो है महिलाओं का है और 384 पुरुषों का है, तो इनमें से कितना अधिक है, तो इसको घटा के हम निकाल लेंगे कितना अधिक है, फिर उसको हम परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 6 में 4 जाएगा 2, 11 में 8 जाएगा आपका जो है 3 बचेगा, 7 में 3 जाएगा 4 बचेगा, कितना अधिक है, 432 अधिक है। किससे? पुरुष कर्मचारियों की संख्या से। किससे पूछा गया है परसेंट में? पुरुष कर्मचारियों से। पुरुष कर्मचारियों का आपका 384 है और जो है कितना अधिक है, 432 अधिक है। ठीक, 432 अधिक है, तो 100 पे कितना हो जाएगा, ये 100 पे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ग्रेड एस में महिलाओं की जनसंख्या जो है समान ग्रेड में पुरुषों की जनसंख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। गलत कर दिए क्या कुछ, क्योंकि आंसर तो यहाँ से नहीं आएगा, एक मिनट हम फिर से देख लेते हैं। इसमें 15% दिया गया है, 15% दिया गया है, 15% का मतलब आपका 15×80 हो जाएगा, 15×80 हो जाएगा आपका, तो 15×120 हो जाए होता है, ठीक ना, 15×95 15×120 तो आपका 120 1200 हो जाएगा। उसके बाद यदि हम कुल कर्मचारियों की बात करें ग्रेड एस में, ठीक ना, उसके बाद ग्रेड एस में पुरुष कर्मचारियों की बात करें तो 12% दिया गया है, 12% मतलब 12×32 हो जाएगा, तो 12×24 तो बचेगा, 12×36 2×38 384 बचेगा। अब यदि हम 384 में 1200 को घटाएं, 10 में 4 जाएगा आपका 6 बचेगा, 9 में 8 जाएगा 1 बचेगा, 11 में 816 बचेगा, तो सब सही है। ठीक, अब ग्रेड एस में महिलाओं की संख्या समान ग्रेड में पुरुषों की जनसंख्या से, पुरुषों की जनसंख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, तो इसमें 816 में 384 हम ठीक घटाए थे, ठीक, 816 माइनस 384 करेंगे तो यहाँ अपने पास निकल कर आ जाएगा, 6 में 4 गया 2 11 में 8 जाएगा 3 बचेगा, और फिर 7 में 3 जाएगा 4 बचेगा, 432 अधिक है पुरुषों की जनसंख्या से, तो 432 बटा 384 गुणा 100 ही तो करेंगे, और फिर यस 12%। ठीक, अब इसको यदि हम हल्काएंगे 100% से ज़्यादा निकल कर आएगा यार ये तो, और यहाँ बोला गया है आपका 100% से कम दिया गया है, क्योंकि इसको हम यदि काटना चाहें तो 25 4 से काटना चाहें, 9×6=36, तो 8×4=12 3×15 हाँ 9, इसको यदि हम काटना चाहें, इसको 4 से करना चाहें तो 9×6=36 6 और फिर 6×6=24 96 आ जाएगा, इसको यदि हम 4 से काटना चाहें तो 4×1=4 हो जाएगा, 8×6=32 हो जाएगा, 108 12×8=96 12×9=108 12×8=96 12×9=108 900/8 निकल कर आ जाएगा। इसको बात करें तो 8×8 जो है 1 बचेगा, 8×8 बचेगा, 8×8 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 8×2=16 हो जाएगा, 112% समथिंग आ रहा है, यहाँ तो आंसर नहीं दिया गया। इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक, ये क्वेश्चन में लगता है डाउट होगा, क्वेश्चन में कहीं मतलब मिस्टेक होगा इसमें, तो इसको मैं क्लियर करके अगले वीडियो में आपको बता दूंगा जब प्रैक्टिस सेट थर्ड लेकर आऊँगा। बाकी इसको भी आप मान लीजिए कि आपका होमवर्क है, आप आंसर निकाल लीजिएगा। तरीका मैं जो बताया वही तरीका इसमें फॉलो होगा। ग्रेड एस में महिलाओं की संख्या जो है समान ग्रेड में पुरुषों की जनसंख्या का कितने परसेंट है, तो इसके लिए अपने को देखिए पहले कुल जनसंख्या निकालने पड़ेगा, जो कि यहाँ 15% दिया गया है, डाटा हो सकता है मिस्टेक होगा कहीं इसमें, ठीक ना, और पुरुषों की जनसंख्या भी निकालना पड़ेगा इस 12%। अब कुल कर्मचारियों में पुरुषों का घटा देंगे तो महिला का निकल जाएगा, और फिर महिलाओं की जनसंख्या में पुरुषों का घटा देंगे तो पुरुषों का कितना है वो निकल जाएगा, मतलब कितना अधिक है। अब अधिक को ही पुरुषों से भाग दे देंगे, गुणा 100 कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक, तरीका ठीक है, हो सकता है डाटा कहीं इसमें मिस्टेक होगा, ठीक, इसको मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। तो ये थे आपके 10 प्रश्नों का कलेक्शन, ठीक ना, और 10 प्रश्न आपके पाई चार्ट के थे, इसमें 5 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे, यही प्रश्न नहीं मिलेंगे सेम टू सेम, लेकिन इस प्रकार के डाटा पर आधारित आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि पाई चार्ट से इस बार 10 प्रश्न आए थे तो 5 प्रश्न जरूर से जरूर आएंगे। चलिए, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप बेसिक्स अभी सीखना चाहें तो आप 15 दिन में पूरा बेसिक सीख नहीं सकते, इसको भी आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, क्यों, क्योंकि आपका जो है आपको हर सब्जेक्ट को अभी लेकर चलना है। ठीक, 15 दिन में आपको पाँचों सब्जेक्ट जो आपका 5 विषय आएगा, ठीक है, 150 नंबर का सभी विषय को लेकर चलना है। ठीक, आपको 75 नंबर लाना है तो आपको जिस जिस विषय आपका में अच्छा पकड़ है उसी उसी को पढ़िए 3-4 विषय, बाकी सही पढ़ने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 75 नंबर आपको क्वालिफाई करना है, जनरल कैटेगरी से हैं तो 90 नंबर, ठीक, माइनस मार्किंग तो रहता नहीं है, तो आप 3 से 4 सब्जेक्ट अपना अच्छा कर लीजिए, आप आराम से टेट क्वालिफाई कर लेंगे, तो
आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसका पीडीएफ यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।